कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 13.8 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है 28 सेंटीमीटर। अब इसको अपने को हल करना है। इसको हल करने के लिए जो दी गई जानकारी है वहाँ से शुरुआत करते हैं। इसके हल में हम लिखेंगे क्या, ठोस गेंद द्वारा किसका हटाए गए पानी का आयतन, इस ठोस गेंद के द्वारा जितना पानी हटाया गया है वो जो आयतन है वो निश्चित है, वो किसके बराबर होगा, वो गेंद के आयतन के बराबर होगा, हमारे पास कुछ दी गई जानकारी है कि गेंद का व्यास दिया है, और ये व्यास दिया है डी बराबरी से 28 सेंटीमीटर। इसका सीधा सा अर्थ है कि इसके आधार पर हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसलिए इस गेंद की क्या त्रिज्या आर बराबरी से 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये गेंद की क्या निकल गई, त्रिज्या। अब हमें गोलाकार गेंद का आयतन निकालना। इस गोलाकार गेंद का आयतन वी बराबरी से 4/3 पाई आर की घात कितनी 3। इसे मान रखेंगे वी बराबरी से 4/3 पाई का मतलब 22/7 गुणित आर मतलब 14^3 मतलब 14 × 14 × 14 एक साथ से 14 को हम दो बार में काट देंगे, जो बची हुई माप है वो होगी हमारे पास वी बराबरी से 4/3 गुणित 22 गुणित 14 × 2 14 का गुणा कर लेंगे तो 14 × 2 = 28। जब इन सब का गुणा करेंगे तो मान आएगा हमारे पास वी बराबरी से कितना 34,496 गुणा करने पर माप आती है 3। इस 3 का भाग देंगे तो मान आएगा 11,498.67 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं 3 है इसलिए जो माप आएगी वो अशांत और आवर्ती आती है, इसलिए इसको हम क्या कह देते, लगभग। अतः हटाए गए पानी का अभीष्ट आयतन, जो अभीष्ट आयतन होगा वो भी बराबरी से 11,498.67 घन सेंटीमीटर के लगभग होता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।